मैं कहूंगा मुनावर भीगी बिल्ली है। टफ फाइट होगी बिटवीन मुनावर एंड पायल कि मुनावर इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके, वेरी स्मार्ट। मैंने क्या कहा था, मुनावर इज अ वेरी नाइस गाय, ही इज अ काइंड हार्टेड सोल, इज अ नाइस सोल। मुनावर ने भी जो रिश्ते बनाए, सारे रिश्तों को उसने भी बैक स्टैप किया, ओके, मैनिपुलेट करता है, बट दैट इज नॉट बैड एस। आई लव शिवम शर्मा, वो मतलब पायल से बहुत ज्यादा क्लोज शिवम है मेरे लिए। तो प्रिंस के आने से पहले भी वो जो मेरे साथ अनफेयर हुआ था, वो टैग दे रहे हैं, मैं ले थोड़ी रहा हूँ। तो मुझे पता है मैं कौन, मुझे पता है कि उसके लिए लोग जो रियलिटी शोज के विनर्स होते हैं वो भी जद्दोजहद करते हैं। सो बहुत सैड है। I really miss the show. Of course I miss the show. Your career is either music or acting or production or direction. रियलिटी शो कोई करियर नहीं है। जीतो या हारो मुझे कुछ घंटा फर्क पड़ता है। अडल्ट कंटेंट एक्चुअली एक तरह से अडल्ट ही है, बिकॉज इस तरह गालियों की बौछार होती है। हाय करणवीर, वेलकम टू टेली रिपोर्टर। Hello. How are you doing, Zara? I'm great. How are you? मैं बढ़िया हूँ। Okay, so firstly मैं डायरेक्ट यही सवाल पूछूंगी, पोस्ट लॉकअप लाइफ कैसी चल रही है, लेकिन विदाउट टीजे एंड किड्स ऑफ कोर्स, मिस कर रहे हो ना? मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, अभी मैं पोस्ट करने वाला हूँ। काफी ट्रेंड कर रहा है वो गाना, तो उसमें ये लिखा हुआ कि माय वाइफ हैज गॉन टू हर इन-लॉज, आई हैव जस्ट ड्रॉप्ड हर टू द एयरपोर्ट, और मैं यहाँ पे रेडी हो रहा हूँ, इसलिए मैंने देखो ये सब ऐसा किया हुआ है ना, आई एम जस्ट गेटिंग रेडी, ओके। और सडनली एक फोन कॉल आता है, बेबी आई मिस्ड माय फ्लाइट। ओहो, ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग हर सो मच मैन, रियली इट्स मतलब घर बहुत खाली रखता है, बहुत खाली। And I can't keep seeing my kids grow up on the phone. तो आपके लिए तो बहुत लंबा ही पीरियड हो गया, you know, पहले लॉकअप में हैं, जब आप बाहर आए तो वो लोग नहीं हैं, तो लॉकअप के जितने दिन थे वो भी उनके बगैर, अब फिर उनके बगैर। But that's okay, वो काम है and they understand, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, ये अंडरस्टैंडिंग मेरी वाइफ और मुझ में है, और बच्चे भी समझते हैं, they also see me every day. मतलब टीजे बेसिकली जो दिखाना चाहती है वो दिखाती है, they're not allowed to see these kind of adult content. Actually एक तरह से adult ही है, because जिस तरह गालियों की बौछार होती है, जिस तरह there's a lot of physical abuse, there's abusive language. Yeah. So of course I don't want my kids to see that. So टीजे जो है, जो मेरे clips हैं वही उनको दिखाती है। So currently मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जहाँ से हमने देखा है पूरा गेम, आपने दोस्ती भी की और कंपटीशन भी दिया, और काफी सारी चीजें घर में हुई, लेकिन कई चीजें आपके यू नो एक बैक स्टैब भी कह सकते हुई, लोगों ने आपको रियलिटी लूजर कहा, बहुत सारे ऐसे टैग्स भी आपको मिले, बट यू फॉट टिल द एंड। अगर आपको अब अपनी जर्नी यू नो सम अप करनी है, हाउ विल यू डू इट? देखिए, रियलिटी शो एक करियर नहीं है। Let me tell you one thing, and let me tell that to everybody else. Reality show is not a career. Your career is either music or acting or production or direction or doctor, engineer. ये इनको बोलते हैं profession, इनको बोलते हैं career. Reality show कोई career नहीं है। जीतो या हारो मुझे कुछ घंटा फर्क पड़ता है, genuinely. Okay? मुझे मेरे career में जीतना है, मुझे उसमें I will fight till my dying breath. उसके लिए मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, टू बी अ बेटर एक्टर, बी अ बेटर एक्टर। सो मुझे रियली जब कंगना वगैरह ऐसे बोलती है ना, मुझे हंसी आती है, मतलब बिकॉज मुझे पता है कि दे जस्ट आस्किंग दीस क्वेश्चंस बिकॉज उनको शो को बहुत सेंसेशन बनाना है, ऐसे कुछ सवाल पूछने जो कि कंट्रोवर्शियल हो, बट इट डजंट रियली अफेक्ट मी बिकॉज दे डोंट, उनके कोई ओपिनियंस मुझे फर्क नहीं पड़ता उन ओपिनियन से, जेन्युइनली। सो वो टैग दे रहे हैं, मैं ले थोड़ी रहा हूँ, मुझे पता है मैं कौन, मुझे पता है कि मैं किस मुकाम पर हूँ, मुझे पता है उसके लिए मैंने कितनी मेहनत की, मुझे पता है कि उसके लिए लोग जो रियलिटी शोज के विनर्स होते हैं वो भी जद्दोजहद करते हैं इस मुकाम पर पहुंचने के। एंड यू नो अभी फिनाले वीक चल रहा है, एंड जिस आलम में आपका एविक्शन हुआ, उस वक्त सडनली जो एक अंदर की हवा थी ना, वो माहौल कह सकती हूँ जो पूरा 360 डिग्री बदल गई थी। लॉकअप था कुछ और, वो हफ्ते में वो पूरा कुछ यू नो तब्दील हो गया। तो जिस आलम में आपका एविक्शन हुआ, क्या लगता है सही हुआ, गलत हुआ? Are you satisfied? No, I'm really glad you noticed that, Zara. You're absolutely right. जो लॉकअप जिस तेजी से बढ़ा था ऊपर, okay? Yeah. If you realize, बहुत और is one of the most popular shows, okay, on OTT. और जिस तेजी से बढ़ा था, I was there till the 8th week. Yeah. और 8 वीक तक इट टच्ड 500. मतलब आई थिंक इन 3 वीक्स ओनली या 4 वीक्स ओनली इट टच्ड अराउंड 200-300 मिलियन और व्हाटएवर. लेकिन अब जो 3 हफ्ते में इतनी व्यूअरशिप मतलब बढ़ रही है, लेकिन इतनी नहीं. ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट हिट शो बिकॉज पीपल हैव आल्सो रियलाइज्ड दैट जो जिस वजह से शो हिट हुआ था वो वजह ही हट गई है. इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग शो. मतलब यू नो देयर वर opinions, there were messages, news पे बातें हुआ करती थी. हम लोग fight करते थे मुद्दों पर, like actual reasons पर. बेफिजूल की fighting नहीं हुआ करती थी, बेफिजूल के arguments और गंदे गंदे abusive language, physical violence, वो सब नहीं हुआ करता था. People loved watching the show because it had a separate identity. जैसे ही मेरा eviction हुआ है उस week से it has taken a really weird detour और लोग लड़ रहे हैं बेफिजूल के एक दूसरे को. मतलब I don't know, just to be trying to be badass. They're doing things that they're not. वो है नहीं, वो अंदर से है नहीं, but they're just trying to be. So बहुत sad है. I really miss the show. Of course I miss the show because मुझे लगा है कि बहुत ही unfair eviction हुआ है. मेरे दोनों evictions हुए हैं, वो unfair evictions हुए हैं. So I don't. मतलब मुझे उस बात को लेकर I feel hurt. You know that I would have been. मतलब I knew I was. Going towards the victory, going towards winning, yeah. going towards being the finalist. You know, मुझे पता था the kind of game I was playing. I really loved it. You know, so but unfortunately, ठीक है, वो अभी game है, क्या कर सकते हैं. तो exactly, तो मुझे अब मैं अगर game से बाहर भी होगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. You know, क्या मुझे कहीं ना कहीं जी. हाँ, please बोलिए. लगता है कहीं ना कहीं जो twist and turn हुआ है लॉकअप के अंदर वो प्रिंस के आने से ऐसा लगता है आपको? नहीं, प्रिंस के पहले भी तो हुआ था. प्रिंस के आने से कुछ नहीं हुआ. प्रिंस तो I'm really wondering के he came, games of course change हुई है, but जिस तरह वो ट्रबल मेकर की तरह आया था अभी वो ट्रबल नहीं कर रहा. अभी वो भी एक नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह ही खेल रहा है. You know, I really it would have been a great move by the makers अगर प्रिंस सिर्फ 1 हफ्ते तक आता, बैंड बजा देता सबकी. जो बजा रहा था वो 1 हफ्ते में सबको. You know, he was एक बोलते ना कि एक जब सब स्टोन्स एक ही डब्बे में बैठे सडनली वो आके उसने हिला दिया सबको. That was a very good. लेकिन अब क्या कर रहा है? Nothing. अब he is becoming like a contestant. अब पता नहीं कि क्या इनकी डील है in terms of is he going to be the final? Is he going to win the show? I don't know. So मेरा तो मतलब it had got nothing to do with Prince at all. ये तो Prince के आने से पहले भी वो जो मेरे साथ unfair हुआ था कि इन दो नए वाइल्ड कार्ड्स को आके आप इतनी बड़ी पावर देते हो. तो बोलते भी है ना कंगना के ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही कन्वीनियंटली अनप्रेडिक्टेबल है बिकॉज आप कुछ भी कर सकते हो. करणवीर, आप भले लॉकअप में इस वक्त नहीं है लेकिन आपका जिक्र जो है ना वो हर बार हर कहीं ना कहीं किसी के झगड़े में किसी के बातचीत में उठा है. जो एकदम लेटेस्ट अगर मैं बताऊं तो आपने भी देखा होगा जहाँ पर अंजलि और पायल का झगड़ा हुआ था वहां पर भी आपका जिक्र किया गया लेकिन अच्छे वे में नहीं ऑब्वियसली. अंजलि ने पूरा सरेआम सरासर लगा दिया इल्जाम पायल पर कि वो तो रेडी थी करणवीर के साथ अफेयर करने की. तो ये कन्वर्सेशन क्या थी आपकी और पायल के बीच जो आपको लगता है क्या वो ट्विस्ट हुई? क्या था ये पूरा कन्वर्सेशन, ये पूरे झगड़े, ये पूरे इल्जाम पर आप क्या करें? सरासर झूठ है एक तो. और मुझे बहुत वही तो मैं कह रहा हूँ ना पिछले 3 हफ्तों से इतनी मतलब झूठ के ऊपर ही पूरा लॉकअप चल रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल का. यू नो उनका खुद का गेम नहीं है. पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं. खेलना भी चाह रहे हैं लेकिन खेल नहीं पा रहे. सो इट्स एवरीबॉडी इज वेरी कंफ्यूज्ड. ओके, रही बात ये मुझे बहुत पर मैंने ट्वीट भी किया था कि मतलब कितना झूठ बोलेगी ये लड़की अंजलि. ओके, मतलब सॉरी अंजलि से इस बात की उम्मीद थी आपको क्योंकि एट दी एंड जाते जाते वक्त आप दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था आपका और अंजलि का. लगा था कि ऐसे वो यू नो नहीं मेरा बॉन्ड बिल्कुल अंजलि के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था बॉन्ड. एंड मतलब खराब भी नहीं था बट आई डोंट यू नो आई इट डजंट मैटर टू मी. या शी इट्स अ वेरी इज वेरी न्यूट्रल बट सम ऑड ऑन द अदर इट क्या बोलते हैं ना बेंड्स टुवर्ड्स द अदर साइड. के मुझे है ना ऐसे दोगले झूठे लोग पसंद नहीं है. Okay, चाहे वो like in every aspect of you see Anjali, she has lied her way to move forward. She has lied her way, like whether first इनकार करना कि मुझे मुनव्वर से कुछ फीलिंग नहीं थी, फिर इकरार करना वापस हाँ मुझे थोड़ी फीलिंग्स थी, फिर ये बात बोलनी. मतलब अपने सुपर फैन जो है मतलब you cannot lie about your super fan. Your super fan belongs to you. Your superfan loves you. You cannot twist the words of a superfan and make her feel silly. Because I'm sure she must be feeling silly कि यार ये तो मैंने नहीं बोला था, इसने ऐसे क्यों बोल दिया? You know, तो superfan ने खुद बोला था कि पायल ने बोला था कि अफेयर के बारे में, लेकिन उसने मस्ती में मजाक में कहा था. और which is a fact, हम मस्ती मजाक में कितनी सारी चीजें करते हैं, उसको आप ऐसे सीरियस टर्न, सीरियस मोड, सीरियस इल्जाम लगाते हो और उसको आप क्लियर भी नहीं करते हो. That is very sad. You know, आप एक गलत लांछन लगा रहे हो, So I did not appreciate, and anyway, it doesn't matter because I like the way Payal is playing. Really, in fact, initial weeks में हम लोग की बहुत अनबन हुआ करती थी. हम लोग एक दूसरे को मतलब ना लॉगर हेड्स पे रहते थे because in spite first 2-3 days I kind of liked her, but then she starts doing things where you know लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ी edgy हो जाती है. You know, she gets hyper, she gets real, you know. टेंडेंसी हो जाती है कुछ ऐसे अपशब्द बोलने की, तो लोगों को पसंद नहीं आता है. बट देन जब दूसरी बार मैं आया था तो हमारी ना एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल बॉन्ड बनी थी पायल और मेरी. कंगना खुद कहती थी कि ये एक अजीब बॉन्ड बना है, यू नो, बहुत ही अनकैनी पिक्यूलियर बॉन्ड, यू नो. एंड आई अप्रिशिएट दैट बिकॉज़ मुझे जो देखो एक मैं हमेशा ये देखता हूँ कि आई लव शिवम शर्मा. वो मतलब पायल से बहुत ज्यादा क्लोज शिवम है मेरे लिए. I love him, okay, but एक winner quality what I see it in Payal. अगर मुझे टक्कर की बात हो तो I think 1, 2, 3 में it would be Payal, Munawar and Shivam. Okay, Shivam is मतलब he the most amazing kind-hearted soul I've seen. वो थोड़ा पिछले 2 हफ्तों में थोड़ा इधर उधर हो गया, you know, थोड़ा बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा था. But if he would have carried his spirit the moment he reached finale, वो वाली spirit पूरे 8 हफ्तों की, वो 2 हफ्ते और कैरी करता ना, मतलब people would have bowed down on his feet. अब रही बात पायल मुनावर की, मुनावर is very intelligent, okay, very smart. But as correctly as Kangana said, के इस show का winner वही होगा जो कि fiery है, जो कि काम है, जो कि अक्लमंद है, जो कि ये तीनों क्वालिटीज मुनावर में भी है और पायल में भी, ओके. बट एक और क्वालिटी उसने कही थी जो कि बैड एस होगा. आई डोंट फाइंड मुनावर बैड एस. आई फाइंड मुनावर वेरी नाइस. ही इज अ नाइस गाय. ही इज ट्राइंग टू बी बैड एस. ही इज ट्राइंग टू बी लाइक ऑल कनाइविंग एंड ऑल, बट वो नहीं, वो हां मैनिपुलेट करता है, वो ओके मैनिपुलेट करता है, बट दैट इज नॉट बैड एस, यू नो. दैट इज इन दैट सर्टेन एक्सटेंट, यू नो. ही इज अ नाइस गाय एंड ही कैन नॉट चेंज. He cannot become a badass, you know. But the way Payal is badass. She's been badass, मतलब really, मतलब इतना कि लोग परेशान हो जाते हैं. But उसकी graph भी हुई है. From badass, like from really negative badass, she's become a positive badass. That is what I like in a बोलते हैं winner quality के हर वक्त इस show को योगदान देना, हर वक्त. She has been in the bottom in all the weeks. She's never been safe. She's always lived on the edge, you know. That is the quality I see in a winner, that you fight against all the odds and then you come out. It's like hero's journey bolte hai na, a winner's journey. That's what Payal has gone through. So I really like the way she plays her game, and I really appreciate her. And again, whatever the nonsense they talk, वो पता चली जाएगा. मतलब जो झूठ है वो बाहर ऐसा, when you come out you feel oh shit यार मैंने क्या कर दिया. अच्छा, आपने शिवम का जिक्र किया तो मैं कल की बात बताना चाहूंगी. कल सोशल मीडिया एक पोस्ट सेशन हुआ था जहां पर आपका एक पोस्ट पे दिखाया गया था, यू ट्वीटेड अबाउट ऑब्वियसली पायल, आपने उनको विनर हैशटैग चैंपियन. तो मेरे ख्याल से वहां पर सबने शिवम का नाम लिखा था एक्सेप्ट पायल और प्रिंस. पायल ने अपना नाम लिखा, प्रिंस ने अपना नाम लिखा. गेस करने के लिए हैशटैग चैंपियन नहीं था. इट वाज आई विल टेल यू व्हाट द ट्वीट वाज. आई सेड सॉरी सिंस द टाइम आई हैव लेफ्ट द शो पायल रोहतगी, you have played like a champion. Champion वही होता है ना जो कि you know who's fighting against odds, okay. बस थोड़ी rough edges जो कि वो कभी-कभी अपशब्द बोल देती, कभी कुछ गलत बोल देती, जो कि उसने बोला भी है. अगर वो rough edges को आप हटा दो, अगर उस पे आप काम करो, you have what it takes to be a winner. तो yes, everybody felt it was Shivam, but I do support Shivam. ऐसा नहीं कि I don't support Shivam, but I don't want anybody to feel that यार मैं सिर्फ blindly एक कोई करो. No, I like Shivam, but I like somebody else's game. I will talk about their game. You know, if the game is being better, मैंने शिवम का भी बोला कि तू एक को ही टारगेट क्यों कर रहा है. मतलब पिछले 3 हफ्तों से वो पायल को ही टारगेट कर रहा है. वहाँ पे उनके फादर जी ने कहा है, और बहुत उनके फादर जी ने क्या कमाल लाइन मारी थी. मतलब जब वो एंटर भी हुए थे ना, शिवम के फादर ने ये कहा था कि यार तू महारथियों से लड़, और उन्होंने बोला मुनव्वर महारथी है. उन्होंने बोला है मुनव्वर महारथी है, प्रिंस महारथी है. उन्होंने इतना बड़ा एक क्लू दिया, बट ही डिडंट, ही शुड हैव रियली आर्ग्यूड विद मुनव्वर एंड प्रिंस. ही शुड हैव स्टूड अगेंस्ट देम, एंड ही शुड हैव स्टूड अगेंस्ट पायल आल्सो. मतलब उसने जो पायल के साथ भी किया, व्हाटएवर जो बात करेक्ट किया, लेकिन एक ही पर्सन से वो टारगेट कर. अगर वो मुनव्वर के साथ भी ऐसा कुछ बोलता, जो मुनव्वर ने बहुत सारी चीजें गलत बोली अभी इन दौरान, गलत as in उसके ओपिनियन से, लेकिन खुद के ओपिनियन से भी आप किसी को गलत ठहरा सकते हो. और प्रिंस ने भी बहुत बोला, तो उनसे आप आर्ग्यू करो ना, तो आप लगोगे यस यू आर, यू नो, यू कैन स्टैंड फॉर योरसेल्फ फॉर एनीबॉडी. तो वो चूक गया उस बात को लेकर, you know, और इसलिए उसे लगा कि होने की कगार पे थे, बट फिर उन्होंने बहुत स्पोर्टिंग ही लिया कि नहीं नहीं जो भी है आई लव यू बाबा ऐसे के. तो बहुत क्यूट सा चंग था एक शिवम का. मैंने वो ट्वीट भी किया, दैट्स द लव अबाउट हिम. इसीलिए अगर मैं रियली कहूं कि अगर इस पूरे घर में, यू नो, रिश्ता जो होता है ना शो के बियॉन्ड होता है. रिश्ता वो होता है कि एक दूसरे को यूज नहीं करते. शिवम और मैंने कभी एक दूसरे को यूज नहीं किया, कभी भी नहीं. बाकी सारे रिश्ते जो हैं एक दूसरे को अलायंस बनाने के लिए, एक दूसरे को यूज करने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए इन्होंने बनाए. जो लोगों ने बनाए उन्हें भी पता है, जो लोग बनना चाहते थे उन्हें भी पता है. सिर्फ शिवम और मेरा एक ऐसा बॉन्ड था जो कि इट वाज प्योर, इट वाज जस्ट अबाउट लव. एब्सोल्युटली. लेकिन एक रिश्ता जो आपका था उसके बारे में मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगी. शुरुआती दिनों में मुनव्वर के साथ जो आपका बॉन्ड बना था लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था, लेकिन हर रिश्ते की तरह ये रिश्ते ने भी उतार चढ़ाव देखे, यू नो. आप लोगों के रिश्ता कभी बिखर रहा था, फिर आप लोगों ने संभाला खुद. किसी एक ने यू नो एफर्ट लगाया तो किसी ने दूसरी तरफ से एफर्ट लगाया, लेकिन जाते जाते ऐसा लगा कि अब मेरे ख्याल से बाहरी दुनिया में शायद वैसा सेम बॉन्ड करणवीर और मुनव्वर के बीच में शायद ना देखने मिले. तो मैं सीधे आपसे यही पूछ रही हूँ, जब वो बाहर आएगा लॉक अप के, क्या आप टच में रहना पसंद करेंगे मुनव्वर के? यार आप कैसी बात करते हैं ज़ारा. मैंने क्या कहा था, मुनव्वर इज अ वेरी नाइस गाय, ही इज अ काइंड हार्टेड सोल, ही इज अ नाइस सोल. ही कैन नॉट बी दैट काइंड ऑफ बैडएस. आई एम आल्सो वेरी नाइस पर्सन, अ काइंड हार्टेड सोल. हम दोनों में ना, हम दोनों जब हम एक हमारा बॉन्ड था और अभी भी है, हमने ये कहा था एक दूसरे को कि ऐसा एक टाइम आएगा जब दीवार आएगी हम दोनों के बीच में, लेकिन हम रिस्पेक्टफुली उस दीवार को, मतलब क्या बोलते हैं ना, उसे आगे बढ़ाएंगे, यू नो. वी प्ले स्पोर्टिंगली इन विद रिस्पेक्ट ईच अदर, नेवर हिट बिलो द बेल्ट. एक आध बार गया वो, व्हिच आई टोल्ड हिम दिस वाज रॉन्ग एंड ही अपॉलोजाइज्ड फॉर दैट. तो नेचुरली ये तो मतलब जायज सी बात है, वी बोथ आर मैच्योर इंडिविजुअल्स एंड इफ देयर इज एनी मेंटल लेवल इज हिम, बिकॉज़ ही इज अ फादर आल्सो, यू नो. ही इज, तो उन वो चीजें बहुत कनेक्ट करती मेरे और मुनव्वर में. एंड ऑफ कोर्स वी, आई मीन आई सी टू इट दैट आई सपोर्ट हिम एंड ही सपोर्ट्स मी इन माय, यू नो, इन जस्ट इन आवर लाइव्स. दैट्स इंपॉर्टेंट यार. व्हाट हैपेंस इन लॉक अप शुड स्टे इन लॉक अप, अनलेस यू डोंट रॉक द बोट सो बैडली दैट यू जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू देम. मुनव्वर मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है. हमारी अनबन होती है यार, कोई भी रिलेशन, मतलब कोई भी फ्रेंडशिप में एक दूसरे को गाली देते, एक दूसरे को मतलब बोलते तू एमसीबीसी ये वो, और यू डोंट लाइक, यू डोंट टॉक. मतलब मैं अपने जो मेरे 25 साल के बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे 6 महीना बात नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है. और कभी कुछ ऐसे कुछ वो बोल देते हैं तो ठीक है भाई, जब तक तू फोन नहीं कर रहा मैं फोन नहीं कर रहा. दोस्ती में ऐसे होता है. अगर हम उसको दिल पे ले लेंगे ना तो हमसे बुरा और हमसे इडियट कोई नहीं होगा. लेकिन अभी हाल ही में मुनव्वर ने आपको फेक का टैग भी दिया है. लाइव फीड में देखा गया, कहीं वो बात कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने आपको सीधे फेक कहा. कुछ ट्वीट भी किया था आपने, तो बुरा लगा उनका फेक बुलाना आपको, या इस पर क्या, यू नो, आपके? हाँ, मुझे अजीब लगा बिकॉज फेक आप मुझे तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बिकॉज जितना रियल और जितना टू द पॉइंट मैं रहा हूँ, चाहे अगर मेरी गलती भी हुई हो तो वो मैंने अग्री के, हाँ मैंने किया है, डंके की चोट पे हाँ मैंने गलती की है. मैं इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ओके, मुझसे गलती होगी. तो मैं I have been as real as I can. So I find it very funny when Munawar says this ke Payal, because I feel somewhere he feels that tu mujhe kyun nahi support kar raha. I mean, somewhere he feels that. But my opinions change. और मुझे लगता है कि जिस तरह पायल खेल रही है, no doubt top 2 में मुनावर और पायल ही होंगे. But somehow I feel she has that one edge of being badass. तो मुझे बहुत, I mean, I was very surprised that, you know, I said, Munawar, you're a little bigger than that. अब तो ऐसी मेरे पीठ पीछे तो वहाँ पे ऐसी बातें करेगा कि नहीं ये तो फेक है, ये कैसे हो सकता है, ये तो मतलब वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करते हैं. मतलब I find it very hilarious that, you know, there is no मतलब ना head or tail of the conversation. कि मैंने कभी तुझे बोला है कि हाँ यार ये about Payal that, you know, she's this or she's that. No, I've always said मतलब अगर मैंने नाम भी रखा है, मैंने अगर सपोज पायल को सपोर्ट भी करना है, मैंने फेस पे किया है, मैंने तो फेक क्यों बोलूँगा. तो मुझे वो लगा उनका ये बोलना मुझे फेक, because I mean I would say that मुनावर ने भी जो रिश्ते बनाए, सारे रिश्तों को उसने भी बैकस्टैप किया. अगर एक रिलेशन रियल होता है ना, और उस रिश्ते को बैकस्टैप नहीं करते. और वो जो सारे हैं उनके दोस्त, उन्होंने भी बैकस्टैप किया है उसे. दोनों तरफ से बैकस्टैप हुए. कौन, अगर रिलेशन फेक होता है ना तो उसमें बैकस्टैप होता है. रियल रिलेशन, द रिलेशंस दैट आर रियल, यू नेवर बैकस्टैप. ओनली रिलेशन जिसकी वैल्यू नहीं होती है ना, आप उसको बैकस्टैप करते हो फॉर द गेम, फॉर एनीबॉडी फॉर दैट मैटर. या तो बोलो, मुझे प्रिंस का एक चीज अच्छा लगता है कि मुंह पे बोल के बोलो, मुंह पे बोल के मारो यार. वो पीछे जो खंजर वार करते हैं ना, उसे वो रिलेशन फेक बोलते हैं. मैं वो फेक तो नहीं, उसे रियल नहीं कहेंगे उस रिलेशन. तो अगर पायल को मैं बोलता भी था कुछ भी, आई वुड से इट ऑन द फेस टू हर. Whether I would like it or not, I would say it on the face, and that is why that's somehow that kind of unspoken bond that we have between each other. Karanvir, and since you've already, you know, revealed your top 3, that is Payal, Munawar, and Shivam, of course. So 2 दिन ही बचे हैं. अब अगर you know मैं पूछूं कि full fledged अगर Karanvir को किसी को you know support करना है, तो who are you rooting for? ये 3 में से कौन लगता है जीतना चाहिए और कौन लगता है कि जीतेगा? Definitely. एक जीतेगा तो मुझे नहीं पता. कौन जीतना चाहिए, मैं तो कहूंगा शिवम जीतना चाहिए. ओके, बट टफ फाइट होगी बिटवीन मुनावर एंड पायल. टफ का सपोर्ट पायल के लिए है डेफिनेटली, राइट. देखो, मैं यहाँ पे किसी के लिए झंडे गाड़ने नहीं आया हूँ, ओके, क्योंकि मुझे पता है कि ये लॉकअप है, एंड लॉकअप में कुछ भी हो सकता है. मैंने देखा ना मेरे साथ क्या हुआ. तो आई विल नॉट से कि इसी को यही जीतेगा, बिकॉज आई कांट प्रेडिक्ट इट. But I do know one thing, that it is going to be between Munawar and Payal. Now, who wins? It's in the maker's hands. So, Karanvir, जाने से पहले मेरे पास कुछ शब्द हैं, adjectives हैं, वो मैं आपको बताऊंगी. और अभी इस वक्त लॉकअप में जितने 7 लोग हैं, आसमा, सायशा, पूनम, पायल, शिवम, प्रिंस एंड मुनावर, आपको बताना है कि वो वर्ड किस पर फिट बैठता है. तो पहला, भीगी बिल्ली. भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली. मैं कहूँगा मुनावर भीगी बिल्ली है. क्योंकि वो है ना सबकी आड़ में गेम खेलता है. ओके, सो आई थिंक इंटेलिजेंट है, बट भी बिल्ली भी है. तो चालाक किसको देना चाहेंगे फिर आप? चालाक प्रिंस को देना चाहूंगा मैं. प्रिंस चालाक है. देखिए, आई हैव नेवर सीन मुनावर आर्ग्यू. वो कन्फ्रंटेशन कभी नहीं करता है, अगर आपने ये बात रियलाइज की हो तो. Yeah. वो ऑलवेज हमेशा पीछे रहता, कोई और कन्फ्रंट करो. सो दैट इज द ओनली नॉन बैडएस क्वालिटी दैट मुनावर हैज, व्हिच आई फील डजंट मेक हिम बैडएस. वेरी रेयरली आई सी वो कन्फ्रंट करके भी है ना, वो मतलब हट जाता है. बिकॉज़ आई टोल्ड यू, ही इज अ वेरी नाइस, ही इज अ नाइस पर्सन. ही कैन नॉट आर्ग्यू 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 जैसे लोग करते प्रिंस या पायल या शिवम या आजमा या everybody. Like, or everybody, they just, you know, confrontation मतलब end तक लेके जाते हैं. So लोमड़ी मैं वैसे प्रिंस को मानता हूँ, because वो कुछ रीजन से आया था अंदर, और अपने चालाकी से उसने सबका गेम बदला है. Okay, so मीठी छुरी आपके हिसाब से कौन है लॉकअप? मीठी छुरी आजमा फल्ला. My God, ऐसे प्यार के शब्दों से ऐसे काट देती है आपको, हंसती रहती है, कभी गुस्सा ही नहीं होती. बिन पैंदे का लोटा, जो यहाँ का भी नहीं वहाँ का भी नहीं, यहाँ डोले वहाँ डोले. सायशा का लिटरली मुझे गेम अभी तक समझ में नहीं आया है. ओके, शी इज इन द लॉकअप विद गॉड्स ग्रेस. ओके, बिकॉज वो बोलती है कि मैं अपने आप के लिए खेलती हूँ, बट उसको खुद नहीं पता किसके लिए खेल रही है, क्या खेल रही है वो, यू नो, शी इज जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू, जहाँ पे बोलते हैं ना हमारे मारवाड़ी में कहावत है, जहाँ देखी भरी परात वहाँ नाचे सारी रात, you know? तो ऐसा है. And I've always felt this about Sayesha, always, and I've always told her. Then I stopped telling her also. I said, you know, तू पता है तू कितनी बड़ी पावर हाउस है, तो जिस तरह वो बात करती है इतने स्पष्ट शब्दों में, okay, the way when she argues, amazing, nobody can beat her. Yeah. उसकी personality is dominating, you know. वो जिस community को represent करती है is काबिले तारीफ, it is. उसके पास सारी वो क्वालिटीज है जो किसी को भी मतलब अपने सामने खड़ा ना करे, बट जस्ट पता नहीं क्या है वो अंडर ही रहती है, वो मतलब वो लिटरली वो क्या कहता है एक लीडरशिप क्वालिटी, तो फॉरगेट लीडरशिप, बट वो अगर अपने आप खेलना शुरू कर देती ना वो पहले से, वो एक अलग ही मतलब पूरे इंडिया को रूल कर सकती थी. ओके, लास्ट टू, बदतमीज कौन है और कौन है जो किसी के सहारे से लॉक अप में आगे बढ़ा है और फिनाले तक पहुंचा है? ये दोनों टैग मैं अंजलि को देना चाहूंगा. बदतमीज भी है, जिस तरह बात भी करती है, बहुत ही बदतमीजी से बात करती है, तू तड़ाक में बात करती है, वो स्टार्ट से ही करती है, तो तमीज नहीं है. आप तमीज से भी लड़ सकते हो, यू नो. और किसी के सहारे से 100% वो मुनावर के सहारे से ही आगे बढ़ी है, और अभी थोड़ा प्रिंस के सहारे आगे बढ़ रही है. आप उसे हेल्प कह दो, सहारा कह दो, जो भी कह सकते हो, बट यस, दिस इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज. ओके, तो ज्यादा ज्यादा करणवीर, टू ऑल योर फैंस जो एक्चुअली आपको यू नो इस वक्त लाइव फीड में देखना चाहते थे फिनाले वीक में, एंड ऑब्वियसली फाइनलिस्ट पे जब स्टेज पे खड़े होते वो आपको वहां देखना चाहते थे, बट अफसोस वो नहीं हो पाया. टू ऑल द फैंस क्या कहेंगे आप आपकी ऑडियंसेस को आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर? ऑब्वियसली वो और ज्यादा बेताब होंगे फिर से आपको स्क्रीन पर देखने के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज में सारे फैंस को ये देना चाहूंगा, देखिए ये एक रियलिटी शो है, तो डोंट गेट टू इमोशनली अटैच्ड टू इट. यस, यू हैव सीन इट, यू नो, 2.5 महीना में देखा, बट रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ, शोज, प्रोजेक्ट्स, ये मतलब मेरी लाइफ में और लेकिन आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आएंगे. शोज कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे कभी नहीं आएंगे. It doesn't matter. Okay, remember, you have a family, you have a sane mind, and be kind. Really, ये चीजें आपको life में आगे तक लेकर जाएंगी. And have the passion to work. मतलब ना कि काम करना है, आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन करना है. अपने skills develop करो, अपने आप को develop करो, अपने आप को enhance करो. You know, otherwise ये दुनिया इतनी literally एक बोलते ना कमीनी है कि आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको पूछेंगे भी नहीं, जेलस होंगे, यू नो, दिल खराब आंख बोलते हैं ना, वो काली आंख लगाएंगे, और जब आप गिर जाओगे ना तो आपको और दबाएंगे. सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, यू डू व्हाट यू फील इज राइट, यू डू व्हाट फील्स मेक्स यू हैप्पी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव. ओके, फॉरगेट अबाउट जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो आप देख ही लोगे, बट ये हमेशा याद रखना. All right. On that note, thank you so much, Karanvir, for joining us, and I hope आपको अच्छा लगा हमसे बात करके. Lots of love, Zara. Lots of love. Thank you so much.